मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रायसेन में वन सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में 592 करोड़ 77 लाख की राशि की हस्तांतरित की गई। संबल योजना के हितग्राहियों को आज मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। संबल योजना के तहत सीएम 27,897 श्रमिकों को मुख्यमंत्री शिवराज ने सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में 592 करोड़ 77 लाख की राशि हस्तांतरित की। रायसेन से वर्चुअल सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस संबल 0.2 योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत श्रमिकों को जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इसी के तहत लहार जनपद कार्यालय में वर्चुअल मुख्यमंत्री वन क्लिक कार्यक्रम के तहत लहार जनपद अध्यक्ष मीना मानवेंद्र सिंह ने लहार जनपद के अंतर्गत सभी पंचायतों के पात्र हितग्राहियों को आमंत्रित किया और उन्हें संबल योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर मीना मानवेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में सभी पंचायतों से आए हितग्राहियों को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारजनों के लिए संबल योजना के तहत सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ इसमें अनुग्रह सहायता योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसके साथ साथ किसी श्रमिक को दुर्भाग्यवश किसी भी प्रकार स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए एवं अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी लाभ महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए दिए जाते हैं और वही श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी लाहार श्री अरुण त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि मानवेंद्र रचावत उर्फ मोंटी लाहा, जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर दयाल कौरव और उक्त कार्यक्रम का संचालन सुनील कुमार चतुर्वेदी, विकास खंड समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद लाहा द्वारा किया। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हितग्राहियों को स्वल्प आहार की व्यवस्था पीसीओ सुरेश लाहरिया द्वारा की गई। भिंड से पीयूष बिरथारिया की रिपोर्ट। जो अन्य योजनाओं के मिलाकर जिनमें मृतक सहायता या विवाह सहायता और भी कई सहायताएं मिल रही हैं, तो हम ये अपेक्षा करते हैं अपने सभी लोगों से कि उन लोगों को लाभ दिलाएं, उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए भी हम प्रयास करें। लाहार विधानसभा में अभी तक कितने लोगों को हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है? इसमें अभी आज 47 लोगों को लाभ मिला और लगभग 1,04,00,000 रुपये की राशि वितरित की गई मुख्यमंत्री द्वारा एक सिंगल क्लिक के माध्यम से।